हर घर हर अपार्टमेंट का एक एंट्री वे तो होता ही है, तो उस एंट्री वे को आप कैसे अच्छा बना सकते हो कि जब आप खुद भी अंदर आए ना, घर के गेस्ट की तो बात अलग है, जब आप खुद भी अंदर आए तो वो अच्छा लगे, आपको खुद को इनवाइटिंग लगे, ऐसी जगह हो जहाँ आप अपने शूज़ रख सको या अपनी चीज़ें और भी जैसे बैग्स वगैरह, हैट्स हैं, कैप्स हैं, कुछ भी रख सकते हो। तो इस तरह का कैसे बनाया जा सकता है और कैसे अच्छा लगेगा, इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। तो इससे पहले, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। अब जैसे ये पहली फ़ोटोग्राफ है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक कैबिनेट टाइप रखा हुआ है, जिसको हम क्रिडेंजा भी बोलते हैं। इसके नीचे कुछ स्पेस है जिसमें आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हो या कोई और चीज़ें भी, जैसे इन्होंने ये चप्पल टाइप रखी हुई है। और इस एंट्री वे के दो डोर्स हैं, एक तो एंट्रेंस वाला है, एक साथ में बेडरूम का हो सकता है या साथ में वॉशरूम का भी हो सकता है। तो टेबल के ऊपर इस तरह से पॉट्स रखे हुए हैं जिसमें ड्राई डेकोरेशन वाले फ्लावर्स भी हैं और दूसरे दोनों रखे हुए हैं। तो इट कैन बी डन लाइक दिस ऑल्सो। एंड जैसे ये एक क्या बोलते हैं, गमला टाइप रखा हुआ है, पॉट रखा है, इसके अंदर लाइव प्लांट है और बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। और मैंने वैसे जनरली आजकल सारे जो घर हैं वो अभी वाइट कलर के होने लगे हैं, मगर इसमें जैसे देखिए ना, बड़ा अर्दन सा कलर हुआ रखा है दीवारों पे, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसी तरह से आप नीचे एक रग लगा सकते हो जैसे इस फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है, इससे ये बड़ा कोजी सा हो जाता है। और स्मॉल स्पेसेस के लिए, बड़े स्पेस में तो खैर अच्छा लगेगा ये, पर स्मॉल स्पेसेस के लिए ऐसे बड़ा मिरर लगाने से ये फ़ायदा है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और उसके बाद में क्या है, स्पेस जब इधर उधर मतलब लाइट बाउंस होती है तो स्पेस ऑटोमेटिकली बड़ा लगने लगता है। तो आप उसी तरह से अब दूसरी तरफ इसमें देख सकते हो मिरर में कि विंडोज़ हैं, और उसके ऊपर जो पतले वाले होते हैं ना लिनन टाइप के कर्टेंस लगे हुए हैं, तो इससे लाइट और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है ग्लास के थ्रू, सॉरी मिरर के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या है, हाइट भी मेंटेन करके रखी हुई है सारे पॉट्स में, एंड बीच में छोटा सा वो जो कुछ पॉट टाइप का है, तो दैट लुक्स ऑल्सो वेरी गुड। अब ये छोटा एंट्री वे है, इसमें है तो वुडन फ्लोरिंग, डिपेंड करता है आपकी फ्लोरिंग कैसी है। बाकी देखो, अरेंजमेंट तो सब जगह सेम हो सकता है, फ्लोरिंग के कलर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट के से फ़र्क पड़ता है। तो इसमें छोटा एरिया है, और जैसे आप फोटो देख रहे हो, एंटर करते ही सबसे सामने एक राइट साइड में वे जा रहा है, डोर लग रहा है मुझे, और लेफ्ट साइड में भी है। एंड मेरे अकॉर्डिंगली इसके राइट साइड में सीधा ही हमारा लिविंग रूम होगा। तो इन्होंने जो छोटा सा स्पेस सामने है, तो उसमें एक बेंच स्टूल टाइप का रखा है जिसके ऊपर बैठने की जगह है, मतलब अरेंज किया हुआ है, कुशन रखा है, साथ में एक लाइव प्लांट है, बड़े अच्छे पॉट और उसका जो कंटेनर टाइप होता है ना पॉट का, वो रखा हुआ है, और पीछे बहुत ही अच्छा मिरर है। हम मिरर के अंदर देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी उन्होंने प्लांट रखा है एंड चेयर टेबल कुछ रखा है। टीवी, हाँ देखो, वो मैं आपको जैसे कह रहा था कि लिविंग रूम है तो वो टीवी भी लगा है और फायर प्लेस है, तो उसके हिसाब से यही लग रहा था मुझे पहले। और मिरर के ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एंट्री वे है, सिंपल है, सोबर है और सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। इस मतलब अगर आपके स्पेस बिल्कुल भी नहीं है और ज़रा सी एक वॉल ही है, तो आप इसके यूज़ मतलब ये डिज़ाइन यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट बना सकते हो। और वैसे भी जब एंट्री के ऊपर इस तरह से हो, तो आपने जैसे घर से तैयार हो के अब जा रहे हो, तो एक लास्ट मोमेंट पे आप अपने आप को चेकआउट करना चाहते हो कि आपका ड्रेस प्रॉपर है कि नहीं, आपके शूज़ हेयर सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। अगर आपने शूज़ वैसे भी पहनने हैं तो आप यहाँ पे बैठ के पहन भी सकते हो, उतार भी सकते हो शूज़, इट डिपेंड्स ऑन यू। थर्ड अब ये है, इसमें एक तरफ को विंडो है और एक तरफ से मेन डोर है लेफ्ट साइड में। तो वॉल पे ऐसे वेन्सकॉटिंग करा हुआ है, वेन जो ये वुड वाला आपको वर्क सा दिख रहा है ना, इसको वो बोलते हैं, तो पिक्चर फ्रेम की तरह आप कह सकते हो, है नहीं वैसे वो, वेन्सकॉटिंग किया हुआ है, उस पर कलर करके पेंट करके ऊपर थोड़ा सा शेल्फ टाइप बना के, और उन्होंने अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं मैरिज की, एंड तीन हुक्स ऐसे लगा कर उसके ऊपर कुछ भी हैंग करने के लिए, चाहे बैग है, बास्केट है, कुछ भी। और उसी तरह से नीचे एक स्टूल है, डबल सीट वाला स्टूल है, उस पर एक रग रखा हुआ है, एक कुशन है,
और इस तरह का भी आप एंट्री वे पे कर सकते हो। वही है कॉन्सेप्ट, तो नियर अबाउट सेम ही है। इसमें आप बैठने की जगह आपने बना दी, शूज़ वगैरह उतारने हैं या कुछ भी, तो उसके सामने डोर के बिल्कुल आप देखो, ये डोर एक रग है वहाँ पे, या डोर मैट भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं आपको और रिकमेंड करूँ, तो वैसे तो इसमें और कुछ नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में, बट जो ऊपर वो छोटा सा पॉट या समथिंग कुछ रखा हुआ है, तो उसकी जगह आप लाइक आजकल वो एयर विक और गोदरेज वगैरह वो आता है ना पॉकेट, वो क्या बोलते हैं मशीन टाइप, इसमें से परफ्यूम स्प्रे होता है, वो आप वहाँ रख सकते हो। या आप एक लैम्प भी रख सकते हो, जो बड़े सुंदर सुंदर लैम्प्स, वो छोटे छोटे साइज़ के मिलते हैं ना, जिसके अंदर हम पानी में वो ऑयल फ्रेग्रेंस वाला डाल के रखते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो जो था मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप उसको रख सकते हो, तो बड़ी अच्छी इफेक्ट आएगा, लाइट की लाइट और डिज़ाइन के डिज़ाइन, और सुंदर अलग अलग लगेगा। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके स्पेस कम है और एंट्री के साथ ही आपका लिविंग रूम है, जैसे इस फोटोग्राफ में है, देखियो लेफ्ट साइड में जो आपका डोर आ गया एंट्री वाला, और राइट साइड में साफ पता लग रहा है कि वो लिविंग रूम है। तो इस तरह से आप एक हैंग करने के लिए वुड का लाइक लॉग, जो रॉ वुड होती है ना, आप उसका एक लॉग लगा के उसके ऊपर इस तरह से हुक्स लगा के, मिरर और साथ में एक हैंगिंग प्लांट, यहाँ पे जैसे प्रॉपर लाइट आ रही है तो रियल प्लांट भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आप इधर जो नकली बेल टाइप मिलती है अमेज़ॉन वगैरह पे, तो आप वो भी इसमें लगा सकते हो। रियल, काफ़ी रियल दिखने वाली भी आजकल मिलने लगी हैं, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होती है बट अच्छी लगती हैं, तो आप वो लगा सकते हो ऐसे मिरर के साथ में। यहाँ पे अपना उसका बैग, शॉपिंग बैग कुछ भी आप टांग सकते हो, पर एक चीज़ आप ध्यान रखो, इस तरह के जो होते हैं ना, जो ओपन स्टोरेज और इस तरह का एंट्री वे में स्पेशली, उसमें आप ट्राई करो कि आप कम से कम सामान ही रखो, जो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ का यूज़ करने वाला है, सिर्फ वही रखो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही फिर वो क्लटर होने लगेगा, फिर बुरा लगेगा। तो वो जो मेन आपने जो चीज़ सोची थी कि लाइक सुंदर लगे, तो सुंदर कम और गंदगी ज़्यादा लगेगी, तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। जो ये वाला डिज़ाइन है, इसमें क्या है, ये थोड़ा इंडियन घरों में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि आपका एंट्री वे तो नहीं है ये, वही मतलब एंट्री वे तो है ही, राइट साइड में आपका ड्राइंग रूम एरिया हो गया, और जो इस तरह से कैबिनेट टाइप बनाई है जिसमें अलग अलग शेल्फ्स हैं, राइट साइड में एक बड़ा शेल्फ है जिसपे उन्होंने एक बड़ा स्टैचू रखा है, नीचे लाइव प्लांट है और स्टोन्स रखे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है, बहुत सुंदर है ये। जब मैंने अपने घर में बनवाया उस तरह का कुछ मेरे माइंड में आया नहीं, नहीं तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता था एनी हाउ, बट मेरे तो बिल्कुल ही क्लोज ऑफ है, कोई लाइट भी नहीं आती, और इतनी बार बार इसको प्लांट्स को अंदर बाहर ऐसे करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये चीज़ भी है, तो इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर लाइट लगी हुई है एंड साइड में अलग अलग शो पीस रखे हैं, काफ़ी सुंदर है ये भी। लास्टली ये वाला एंट्री वे है, इसमें देख सकते हो आप कि जगह काफ़ी कम है, डोर के सीधे अंदर एंटर करते ही इन्होंने एक शेल्फ लगाई हुई है, वॉल शेल्फ हैंगिंग टाइप, और साथ में अपने शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, अम्ब्रेला रखा है, एक उन्होंने बास्केट मेटल की रखी है जिसमें कुछ सामान रखा है, और ऊपर मिरर लगाया है, और उस शेल्फ के ऊपर वही ट्रे और एक पॉट और कुछ फ्लावर्स लगे रखे हैं, और एक वो उन्होंने दरवाजे पे रीथ लगाई हुई है, जो ज़्यादातर क्रिसमस और फॉल वगैरह स्प्रिंग सीज़न में लोग लगाते हैं। तो मैंने भी वैसे ट्राई किया, पर हमारे ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही मिलते हैं, और ख़ुद तो कभी ट्राई किया नहीं फ्रैंकली। आगे देखते हैं, अब DIY चैनल बनाया तो चीज़ें तो करके देखनी पड़ेंगी कि कैसे क्या होता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहला वीडियो है ये, तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी काफ़ी अच्छा। ये थोड़ा देखो, जब मिरर लगाया है इसमें, जो इसका फ्रेम है वो, ये भी काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप का है, विंटेज टाइप का। विंटेज चीज़ें ना, हम लोग इंडिया में मैंने देखा है कि हम लोग चीज़ें ना फेंक देते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। पुरानी चीज़ें तो बल्कि ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो करनी चाहिए यूज़। मैंने बहुत कोशिश करी कि कुछ थ्रिफ्टिंग की जाए, कुछ चीज़ें कहीं से मिले, बट मुझे कहीं से नहीं मिला। मैंने बहुत ट्राई किया, ऑनलाइन भी ट्राई किया, वैसे भी लोगों से भी पूछा है, OLX पे भी मैं देखता रहता हूँ, बट OLX पे रेट्स इस तरह के हैं, वैसे तो मिलता नहीं है, और जो रेट्स हैं वो तो बस पूछो ही ना। तो देखते हैं क्या होता है।
अब आपको इन सब में से कौन सा अच्छा लगा ये नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये तो मेरे सारे अपने पर्सनल फेवरेट थे, तो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर फर्स्ट वीडियो जो जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा नहीं बताया तो अभी बताया, तो चैनल तो बहुत पुराना है मगर मैंने इसका कंटेंट सारा अब चेंज कर रहा हूँ, सारा होम डेकोर और डीआईवाई स्टफ से रिलेटेड होगा। तो उसमें मैंने यही सोचा कि क्यों ना पहला जो वीडियो है इसी चीज़ से करें एंट्री वे। तो एंट्री वे मैं अपने घर में भी देख रहा था, तो ये चीज़ें हैं। अब आप मुझे नीचे ज़रूर बताना कि आपको कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लगा और आप क्या इनमें से कोई डिज़ाइन अपने घर में इंक्लूड करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।